खतरनाक लग रहा है बोजो, बुलडॉग लग रहा है तू। हेलो हेलो एवरीवन, ओ हेलो कर दिया है तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है फ्राइडे, विच इज अ फ्राइडे। ये है गहरी नींद में, तुम ये बेबी जो है मेरा, तो मेरा बोजो जो है वो बहुत वेट गेन कर रहा है। अब डाइटिंग की बात करते हैं हम लोग, तो ये आपको पता है पूरे दिन में एक बार खाना खाता है और वो है रात में खाना खाता है, और सुबह जो रहता है जैसे सुबह खिला लो बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत खाएगा तो खाएगा, वरना ये तीन टाइम खाना नहीं खाता है, ये सिर्फ एक ही टाइम खाता है। मेरे को चेहरा है, इसकी आँख किसी को दिख रही है? मेरे को इसकी आँखें नहीं दिख रही है, मुझे क्यों नहीं दिख रही? इसकी आँखें भी काली और मुँह भी काला, कहाँ मुँह काला करा के आया? बचपन में काला पला लिया था मैंने। तो ना मैं अभी आई थी यहाँ पे, मुझे ना इसे क्लीन करना था। अरे यार बैठे रहो, वो तो बैठे रहो। तो ना इन्हें हर एक दिन छोड़ के एक दिन फेस जो रहता है इनका क्लीन करना पड़ता है, और गूगल का जो ईयर है वो बहुत क्लीन रहता है, बोजो का जो ईयर है वो बहुत गंदा कर लेता है, इसको एक हैबिट है। आप बताइए आपके पग को भी है क्या, वो कान ऐसे से करके परेशान करता है, ये जब छोटा था तब से करता है। गूगल इसकी एज तक अभी तक कभी कुछ नहीं किया उसने, पर हाँ इनके डेली रिंकल्स क्लीन करने ज़रूरी हैं। तो हमारे यहाँ पे वाइप्स आती है और वो स्पेशली इन दोनों के लिए आती है। ये भागेगा ठीक है, इसे भागना है। नानू नानू, अब इसे पता है, देखिए इसे कंट्रोल करने के लिए मुझे इसे एक मसाज देनी पड़ेगी हेड पे, ताकि ये ठंडा हो जाए। किच्चू कूप कूपो बेबी। तो इसकी आंखों का, तो इसका आंखों का हाल ये है कि इसकी आंखें अभी फिलहाल सही है, हम लोग दवाई जो है वो करवा दी थी और जो इसकी मेडिसिन है मतलब आई ड्रॉप वो डाली है, तो काफ़ी क्लियर हो गई है। पहले इसके उस पर ना वो दिख रहा था, एक लेयर दिख रही थी आंखों के ऊपर, अब वो लेयर नहीं है। और जो डॉक्टर है, जो इन लोगों के डॉक्टर है, वो नहीं बैठ रहे, इसलिए इंजेक्शन जो वाला बुलाया था हमने, मतलब इंजेक्शन जिन्होंने लगाया है, इन्हें ईयरली इंजेक्शन लगे थे, आई थिंक ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, तो ना वो भी हमने उनका असिस्टेंट है ना वो उसको बुलाया था और वो करके गया था। वो तो तुम्हें कितने काम लेट के आते क्या, ऐसे सेम गूगल को करो ना, तो ये पता नहीं ऐसा लगता है जैसे कहीं लेट के आ रहे हो। नोजी 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 साफ कराते अच्छे बच्चे। कुछ कुछ बेबी बस दो मिनट, एक बार और करने तो बेबी, अच्छा नहीं बरसात के सीजन में दिक्कत होती है ना फिर। मुझे क्यों लग रहा है तुम्हें कीड़ा वीड़ा तो नहीं, दिखाओ जरा दिखाओ। ओ नहीं दिखा रहा। कितना प्यारा मुझे लगता है, एकदम प्रीति हो गई, एकदम प्रीति। ए टिश्यू चेंज करें, वो गंदा हो गया, वो तो तुम लोग रहते इतने गंदे हो। पता क्या होता है इनके, अगर आप साफ नहीं करोगे, अगर आप पग ओन करने वाले हो, पीछे सोच रहे हो साफ नहीं करोगे, तो ना इनका फंगल इन्फेक्शन होता है ना वो हो जाता है। तो आज तक दोनों में से हमारे जो पग है किसी को ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि हमने साफ करके रखा है हमेशा। कान साफ कर देते हैं, हाँ बेबी के कान साफ कर देते हैं। चो चो कूपो। गूगल के लिए हम दोनों को रहना पड़ता है, मतलब गूगल के लिए ऐसा होता है कि एक पकड़ के रखेगा एक साफ करेगा, इसको मैं उठा के खुद ही कर देती हूँ। हाउ क्यूट हाउ क्यूट यू आर लुकिंग, एसी की हवा चली जाएगी कान में गुगु। अब दिखाओ, ओ खतरनाक लग रहा है बोजो, बुलडॉग लग रहा है तू। ओहो बस अब, ओ गद्दी गिरा दी तुमने, फोन मत गिराना, जो एसी भी बंद कर दिया तुमने, सब आता है उसे। आह ये तहस नहस करेगा सब कुछ, पता नहीं क्या हैबिट हो गई है, बहुत गलत एक आदत पड़ गई है इसे, ये हर चीज में अपना ना मुंह घिसता है। मैं इसका मुंह पूरे टाइम क्लीन करती हूँ,
कोई इन्फेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, उसके बाद ही पूरे टाइम बस अपना मुंह रब करके रहता है। ये देखिए कैमरा, मैंने कैमरा थोड़ा सा प्लेस कर लिया सही डायरेक्शन में। क्या हो गया अब, क्या हो गया? तुम बता, डराया नहीं करो मुझे। ये कहीं पर भी देख के ने भौंकना शुरू कर देता है, इसे कोई आवाज़ वगैरह आती होगी बाहर से और ये भौंकना शुरू करता है, मेरे को डर लग जाता है। तो आपको एक बात बताती हूँ, अब तुमने दूसरी गद्दी गिराई तुम सोच लेना। या सेट बिहाइंड मी, हाउ क्यूट, तुम्हारा चेहरा दिख ही नहीं रहा है बहुत एक। तो क्या हुआ बताती हूँ आपको, आज का अच्छा अच्छा नहीं लगा उसे, वो राजा का वेट कर रहा है। एक्चुअली में राजा आ गए थे दोपहर में, तो हम लोग टीवी देख रहे थे, सीरियल देख रहे थे, तो सीरियल देख रहे थे देख रहे थे देख रहे थे, तो टाइम कैसे निकल गया। पर दिन बहुत अजीब सा हो रहा था, मुझे ना बहुत दिनों से कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है। आज मुझे लगा मैं समोसे बनाती हूँ, तो मैंने ना अभी पराठे वगैरह जो है ना वो छोड़ दिए हैं, मैंने कल भी रोटी बनाई थी। ऐसा है कि खाती हूँ मैं, पर ऐसा कि हफ्ते में दो दिन, पहले हफ्ते में बहुत सारे दिन जाते थे, अब हफ्ते में दो दिन। What do you want? अब हफ्ते में दो दिन पूरी बूढ़ी भी नहीं, कुछ नहीं है, क्योंकि ब्लोटिंग भी बहुत ज़्यादा हो जाती है मुझे। और क्या हुआ जाओ, तो ब्लोटिंग भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो मैंने छोड़ दिया है वो खाना। तो मेरा मन बहुत हो रहा है, मेरे बहुत दिन से मुझे क्रेविंग हो रही है कि यार गोलगप्पे वगैरह बनाओ। बहुत टाइम हो गया मुझे गोलगप्पे बनाए हुए, आई थिंक लास्ट इन लॉज के साथ ही खाए थे जो बनाए थे मैंने, और उसके बाद तो खाए ही नहीं है। मतलब बहुत इच्छा हो रही है मेरी, तो मैं देखती हूँ, मैं एक दो दिन में बनाती हूँ गोलगप्पे। खाने का बहुत मन कर रहा है मेरा, कुछ खाने का मन कर रहा है। अच्छा मुझे कुछ भी मिल जाए, पर मैंने कल भी सोची थी कुछ खा लूँ, तो अरबी की सब्जी और रोटी खाई, ठीक है। आज भी सोच रही थी तो दिन में दाल और रोटी खाई, ठीक है। अभी भी सोच रही हूँ कुछ खा लूँ, तो मैंने मूंग दाल भिगो के रखी। अब देखती हूँ मैं उसे कुछ करती हूँ या नहीं करती हूँ। व्हाट डू यू वांट पापा, पापा तुम्हारा मुँह कुछ ज़्यादा टेढ़ा नहीं दिखा रहे तुम, क्या हुआ? तुम्हारा मुँह सीधा करो, चलो मुँह सीधा करो, क्या हुआ? कुछ है, कुछ दिक्कत है कान में? क्या हुआ यार? बोझो पता है, बोझो बहुत ओवर सेंसिटिव हो गया है। मुझे ना इसकी बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि ये कभी इसको आई में प्रॉब्लम। अभी मुंह ना झुका के खड़ा हुआ है, तो मुझे वही लग रहा है। क्या हो गया बेबी, क्या हो गया? अब सही है, सीधा रखना। हाँ मुझे टेंशन होती है, मुझे इसकी बहुत टेंशन होती है। मेरा छोना, मेरा बाबू, मेरा क्यूटी, मेरा बोनी, मेरा गूगल, पाई पत्ती, कोका, मेरा छोटा सा कोकू, मेरे कुपट कुपो, चुपू चू, चुपू 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 चुपू, चुप 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 चुप, चुप नम 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 नम। पता है मुझे बोझो को देख के काफी डरने लगने लगा, क्योंकि इसे थोड़े से इश्यूज रहने लगे हैं अब कि कुछ ना कुछ गुग बना रहता है मेरे। सो गाइस चलिए राजा का वेट कर रही हूँ मैं। पता है बहुत अजीब सी बोरियत हो रही है, फ्राइडे आ गया ना तो वीकेंड आता है ना, तो लगता है कि यार कुछ हो जाए, कुछ नहीं होता कैमरा। हाँ आज जो आए थे ना, तो मैं कोई बहुत नींद आ रही, ठीक है, पर मैं नहीं सोई, ये बीच में रुक गए। उसके बाद इन्हें गर्मी लग रही थी तो ये यहीं पर रुके रहे। उसके बाद इनके जो ऑफिस में बॉय है, क्या करूँगा, बस यही तो है मेरी जिंदगी, अकेलापन, आवारापन, बड़ी मुश्किल से कुछ अपने इन्होंने बनाया है यार। मुझे कुछ खाना है क्या? अच्छा यार, अरे कहाँ है आप? आंखें खोल लिया, हरे भरे भरे पड़े पैकेट में, नहीं मिला। अरे राम, सच अ लायर यू आर। मतलब मेरे को पता है, मेरे को आराम से नहीं बैठने देंगे, पाउडर चाहिए। अब नहा दो ना, नहाने के बाद पाउडर लगा वो रखा ना, नहा चुका हूँ, चल झुट्टा। गए एक घंटे के लिए ना, नहाएंगे रात में, नहाएंगे आलस आता है यार, मेरी तो आँख ही नहीं खुल रही है अभी। राजा जब चाय बन जाए चाय डाल लाना। इतना ना हो पाएगा आकू,
गंदा नहीं है यहाँ पे किराएदार। बोल तो मैं यहाँ खड़ी हूँ, तुम दीवार पे क्यों चढ़ रहे हो? अकलू, अकलू का मतलब समझ में आता है क्या तुम्हें? क्या क्या चाहिए? ऐसा कुछ चाहिए? तो मेरा एक फ्लोर गंदा नहीं है, यहाँ पे ना ऐसे डाल दिया था तो उसके बाद से ये ऐसा ही हो गया। देखना अकलू, ऐसे अकलू मेरे को समझ में आता है, ठीक है अकलू। अब तुम अच्छा चलो देते खाना, देते खाना चाहिए खाना, मेरे को खाना चाहिए। मक्खी खा रहे मच्छर, आ जाओ खाना दे रही हो ना, वो ढूंढ रहा है नीचे। बोल मैंने कुछ डाला ही नहीं, तुम ढूंढ क्या रहे हो? देख रही हो ना, रुक तो जा। एक बूंद खाने की नहीं है, बॉर्नविटा के डब्बे में खाना रहता तुम्हारा, एक बूंद नहीं आज। अरे अरे भूखा है ये, तुम भूखे हो? लो अकलू, अकलू लो, दे रहे दे रहे दे रहे। ओ भूख लगी है ले, मेरी छोनी को भूख लगी है। ओ ले मेरी छोनी तो भूतू है। तो पता मैंने क्या किया, मैं दिखाती हूँ। मैंने ना यहाँ छेद कर दिया है, मैंने अपना ट्राईपॉड मार दिया इस पर और इस पर छेद हो गया है। यहाँ देखिए छेद, मैंने यहाँ पे छेद कर दिया, देखो ट्राईपॉड मार के। हाँ तुम तो भक्के हैं, मैं बोझो को क्यों मारूंगी? मैं तो बोझो को क्यों मारूंगी? मैं तो बोझो को पार करती हूँ, मैं अकलू को पार करती हूँ मैं। ओह नो, आज 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 छोटी लड़की, छोटी लड़की बोनी बोनी। अब वो पता बेड पे चढ़ के ढूंढ रहा है, और वो हड्डी लेगा तुमसे, जो कि हमारे पास है नहीं। मैं आप लोगों से कह रही थी तो हड्डी तो खरीदी नहीं, वो तो हड्डी तो है नहीं। अंडी, अंडी भी नहीं है, हम तो बरसात में खिलाते थे पर आज का वेट बहुत ज्यादा हो रहा है तो खिलाने बंद कर दिया। ओ ले इतना भूख कैसे लग गया एकदम से तुमको? मैं आपको बताऊं क्या हुआ है, उसे हड्डी चाहिए और हड्डी हम लोग के पास है नहीं, क्योंकि हड्डी हम लाए नहीं। अभी राजा आए ना तो पता नहीं उसे क्यों ऐसी वाइब्स आई कि राजा हड्डी लेके आए, और वो उछलने लगा और वो खाना नहीं खा रहा है। नाउ व्हाट, बोनी गमला खाएगा? बोनी फूल खाएगा? मेरी फूल फूल खाएगी, मुझे फूल खाएगी मेरी? बोनी नहीं है यहाँ पे कुछ भी। गुड मॉर्निंग सबको। तो एक्चुअली में क्या है, अभी कोई आ रहा है, कोई बैंक अकाउंट राजा खुलवाना था तो वो बंदा जो है वो आ रहा है। तो मैंने पता सुबह से उठ के क्या किया है, मैंने सुबह से उठ के समोसे बनाए। एक्चुअली मैंने बोला था कि सैटरडे को तो मैं कुछ ना कुछ तो बनाऊंगी। हाँ
समोसे कैसे लगे राजा, आज सच बताना। मुन्ना यहाँ पे एक समोसे वाला है, उसके समोसे तो समोसे समोसे नहीं थे, मैं आपको बताती हूँ। यार वो ऐसा पता है, कोई बात बताऊँ, वो ऐसे जैसे लगता है कि खाते जाओ खाते जाओ। एक्चुअली मैंने क्या किया था, वो समोसे समोसे नहीं थे, वो समोसे का जो वो था, सबसे पहले तो आलू मैंने गर्म मसाले में डाला, मैंने उसमें ना नॉर्मल मसाले डाले और मटर डाली, आलू डाले, बहुत बढ़िया मसाला बना, ज़्यादा तीखा नहीं बना वो। मैंने मिर्ची डाली, पता नहीं वो मिर्ची में नहीं लाई, वो बिल्कुल तीखी नहीं थी, कितनी मिर्ची डालने के बाद भी वो तीखा नहीं हुआ। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने मैदा ली, मैंने थोड़ी सी सूजी ली, जैसे हम कचौरी बनाते हैं ना, मैदा ली, सूजी ली और थोड़ा सा ऑयल, अजवाइन और नमक डाल के आटा जो था वो एकदम नॉर्मल गूंदा, ऐसा नहीं कि बहुत टाइट गूंदा, जैसे पूरी का आटा गूंदता है ना वैसा गूंदा, एकदम बहुत ही ज़्यादा टाइट नहीं गूंदा। उसके मैंने भरा और वो बनाया, तो वो ना बहुत पतले पतले उसके में मैदा थी, मतलब बहुत ही पतली पतली मैदा, मतलब मैदा का जो क्रस्ट था वो बहुत पतला था, ऐसे टेस्टी, इतने हल्के लग रहे थे ना वो, ऐसा लग रहा था बस खाते जाओ खाते जाओ खाते, लेकिन खाने नहीं मिले। हाँ यार कम पड़ गया ऐसा लग रहा है, बहुत कम गूंदे थे। पिछली बार 8 समोसे हमने बनाए थे जो समोसे पैटर्न में ही बनते हैं, तो उसमें क्या हुआ, जो क्रस्ट हैवी हो जाती है, तो ना हमने एक एक खाया और 6 जो थे वो एज इट इज रह गए, तो मेरे को लगा यार 8 काफ़ी रहेंगे, और वो इतने इतने छोटे छोटे से बनाए थे मैंने, और बहुत ही पतली मैदा थी। सो गाइस वो इतने टेस्टी थे, इतने टेस्टी थे। आई थिंक आप जो समोसे खाते हैं ना, उसकी जगह आप ना सूजी और मैदा डाल के, मतलब थोड़ी सूजी डाल के नॉर्मल जैसे आटा गूंथता है वैसे बनाइए, वो समोसे नहीं वो कचौरी पैटर्न में लगेंगे, पर वो लगते ऐसे ना यम। कैसे लगे बेबी अब तो मैं पूरे दिन समोसे पूछूंगी, आज पता है बहुत दिनों बाद तारीफ हुई है मेरे खाने की। है बहुत दिनों बाद, हम तो हमेशा तारीफ करते हैं, तारीफ इतनी करी, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ कराती रहती हैं, खाना नहीं खिलाती। आए गिरे झूठ बोल कितने जो समोसे झूठ बोले कौवा काटे। आप पता कितना टाइम लगा उन्हें बनने में, 1 घंटा भी नहीं लगा। काले कौवे से डरियो चांदी काट के चली जाएगी, तुम देखते रहियो। मैं नहीं काटती नहीं, मेरा जो ये वाला दांत है ना, ये दो और गंदा काट, बहुत पैने दांत है। सॉरी 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 शक्तिमान, कैसे पड़ गए थे, यही काटा है, देखिए कितना गंदा काटा था बचपन में मेरे को, बचपन में 10 साल पहले काटा था, अभी तक गड्ढा पड़ा हुआ है। अरे गड्ढा अच्छा दिख रहा है यार, खूबसूरत लोगों को होता है गड्ढा, यहाँ पे भी गड्ढा तुम्हें दिखाओ, गाल तो रहा हूँ मैं खूबसूरत आज के फुटबॉल जैसे ना, फुटबॉल ये देखिए मेरे को चढ़ाती है फुटबॉल, कह रही है मैं फुटबॉल है, मैं तो ऐसे खेलूंगी, वो तो वहाँ फुटबॉल वहाँ है बेडरूम में सो रहा है, क्यूट फुटबॉल, एक फुटबॉल है और एक लॉकी है मेरी पतली सी गूगी, गूगी पता है गूगल का अच्छा वो वेट पुट ऑन कर रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत टेंशन हो गई बोल दो कि इतनी टेंशन है ना उसकी आंखों से लेके हर चीज, तो मैं सोच रही सबसे चलते हैं, कब क्या प्लान था आपका ये तो बता दो, पूरी प्लानिंग चौपट हो गई ना, मैं पतंग उड़ाने जा पाया ना, मैं कुछ कर पाया, हाँ आज हम लोग का प्लान था पतंग उड़ा के, पर पतंग उड़ाने जाने का है ना चाचा क्या, और सब कैंसिल हो गया। क्यों हुआ ऐसा, मैं तो पतंग खरीद के भी लाया था, मेरे वेस्ट हो गए पैसे, पति राजा को ना मेरे को ऐसा फर्क नहीं पड़ा, राजा को ना पतंग उड़ाने का बहुत शौक है इन्हें, पतंग के लिए तो मैं कहाँ कहाँ चला जाऊँ, पहले मैं यहाँ पे अपना बचपन में जब छोटा था तो यहाँ पे है बस्ती अपना, सारे बस्ती वाले मेरे को बचपन से जानते, क्योंकि मैं दिन भर सुबह से निकलता था गर्मियों की छुट्टी में, और मैं मम्मी से साइकिल में जाता था उस समय स्कूल में, क्राइस्टचर्च में था, तो जिस दिन लास्ट डेट होती थी अपना स्कूल की, 2 महीने की छुट्टी पड़ती थी, तो मम्मी से मैं 200-300 रुपये लेके जाता था, और पूरी 200-300 रुपये की बैग लेके जाता था और पतंग भर के लेके आता था, और यहाँ पे फौरा है वहाँ पे अपना एक कोई है अलीम पतंग वाला है उसके यहाँ से, और 2 महीने इतनी पतंग इतनी पूरी सुबह से निकलता था बस्ती जाता था, बस्ती में उड़ती है यहाँ पे पतंग अपना, यहाँ मेन यहाँ ऐसे नहीं उड़ जाता यहाँ पे कोई, और बचपन से खूब पतंग उड़ाता था पेल, अरे मैंने देखा है पेल के, हम लोग घर जाते थे अभी, हाँ, तीज पड़ती है, तीज वहाँ पे उड़ाता था मैं तो, ठीक है स्पेशली पतंग उड़ाने जाते, हजारों की पतंग हजारों के मंजे, अगर एक दिन राजा कट रहा है बहुत ज्यादा, किसी कोई पतंग ज्यादा काट रहा है तो मंजा चेंज हो जाता था, और सुबह से पता मैं पूरे मंजे से उड़ाता धागे से, हाँ मैं मम्मी दीपा नीचे रहते थे काम कर रहे होते थे या फिर बात कर रहे होते थे, पापा बैंक चले जाते थे, बोधो बोल रहे थे राजा बोधो को लेके जाता था छत पे और ऐसे उड़ाता था, एक बार तो बोधो के कान भी कट गए थे पतंग के मज्जे से, मैंने देखा मैंने बोला बाप रे तुम क्या कर रहे हो, उसके बाद से बोधो को ले जाना वो कर दिया बंद, पर राजा सुबह से लगे रहते 5 बजे उठते सुबह 5 बजे तो सुबह से उड़ना चालू हो जाते, ठीक है कि धूप ना हो जाए तो सुबह से उड़ाना शुरू करते थे, फिर लगे ही रहते थे, आपको पता ऐसी हालत
पूरे हाथ कट रहे थे राजा, मस्ती कर लगा लेते थे छत पे, गाने चल रहे मस्ती वहाँ पे, तीज पे पता अभी हरियाली तीज आएगी ना, नाश्ता वास्ता बकायदा छत पे ही आ रहे खूब मस्ती। बताइए काय का म्यूजिक है, कमेंट करके बताइएगा, मैं गा के बता रहा हूँ। हम तो पूरा दिखा ही नहीं रहे, पूरा दिखाते तो कम से कम बाल बाल दिखा दो, मेरा तेरे नाम टाइप के नहीं निकले। ओके बा बस मैं कब से कह रही थी बाय कर दो, चलो अब एक आंख से बाय करना, भैंडा हो गया भैंगा, एक आंख से बाय करना, काना काना, एक आंख में उंगली घुस गई है वो थोड़ी देर तक दुखती रहेगी। सच में घुसी है? मजाक चल रहा है का? ऐसे कर रहा तो घुस गई ना ये, ऐसे बोलो नहीं, एक आंख से ही बात करूंगा अभी मैं। बाय। ओके बाय। हाँ मेरी आँखों से ज़्यादा। बाय। सब्सक्राइब शेयर, प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि कौन सा म्यूजिक गा रहा था मैं, मेरे देखिए एक आँख में लग गई है चोट फटाफट दोनों आँखों से। बाय बाय। ये पागल हो गए, गर्मी चढ़ गई। बाय।